नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। आपका अपना इलेक्ट्रॉनिक शोरूम छोटे साइज़ का है या बड़े साइज़ का है, जो सेटअप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इस तरीके से अपना सेटअप करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ बहुत ही बढ़िया वर्किंग ज़रूर आएगी। आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम, यानी उत्तर पूर्व मुखी ईशान मुखी शोरूम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। आपकी जो सड़क है वो हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खड्डे नहीं होने चाहिए। आपके यहाँ सड़क में यदि खड्डे हैं, टूटी हुई है, तो आप उसे रिपेयर कराएं, उसे सही करवाएं। अब बात करते हैं आपके शटर की। जो आपका शटर लगा हुआ है ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ कॉर्नर तक, आपने शटर के ऊपर जो कलर कराना है वो ऑफ वाइट कलर होना चाहिए। आपके यहाँ बाहर फ्रंट के भाग में आपने स्टेप बनाए हुए है या प्लेन फर्श कराया हुआ है, उसके ऊपर जो पत्थर लगना चाहिए या तो वाइट मार्बल लगना चाहिए या क्रीम कलर की टाइलें ही लगनी चाहिए। फुटमैट आपने जो फ्रंट के भाग में रखना है वो क्रीम कलर का फुटमैट आपने रखना है। आपके यहाँ जो एंट्रेंस है वो आपने नॉर्थ ईस्ट सेंटर से अपने शोरूम के अंदर आने की एंट्रेंस बनानी है। गेट का यानी जो आपकी एंट्रेंस है उसका स्पेस छोड़ के आपका ईस्ट के भाग में भी और नॉर्थ के भाग में भी आपने अपनी डिस्प्ले बनानी है। जो डिस्प्ले आपने यहाँ पर करनी है वो डिस्प्ले आपकी बिल्कुल लाइट वेट की होनी चाहिए। अब बात करते हैं बैक साइड की दीवार के बारे में। आपने अपने बैक साइड की दीवार पर साउथ से साउथ वेस्ट होते हुए वेस्ट तक एक ठोस प्लेटफॉर्म बनाना है। आपने जो ये प्लेटफॉर्म बनाना है, इस प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई है वो आपके दुकान के अंदर के फर्श से कम 4 इंच ऊंचा होना चाहिए और साउथ से साउथ वेस्ट होते हुए वेस्ट तक ठोस प्लेटफॉर्म बनाना है और इसके ऊपर आपने फ्रिज रखने हैं। आपकी फ्रिज की जितनी भी चौड़ाई बनती है, जो आपका बड़े साइज का फ्रिज है उसकी चौड़ाई के हिसाब से आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाएं और उसके ऊपर आप अपने फ्रिज रखें। फ्रिज आपके साउथ से होते हुए साउथ वेस्ट तक इस भाग में आपके फ्रिज आ जाएंगे। आपके यहाँ इन्वर्टर और बैटरी का भी काम है। आपने अपने यहाँ पर बैटरी कहाँ रखनी है? बैटरी आपने साउथ वेस्ट से वेस्ट तक इस भाग में आपने अपनी बैटरियाँ रखनी है, क्योंकि बैटरी भी बहुत हैवी होती है और वो बैटरियाँ आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर रखेंगे तो इसका बेनिफिट भी आपको ज़रूर मिलेगा। आपके यहाँ वर्किंग हमेशा ही अच्छी बनी रहेगी। यहाँ पर नीचे तो आपकी बैटरी आ जाएंगी और इसके ऊपर के भाग में आपके इन्वर्टर्स आ जाएंगे। आपके इन्वर्टर यहाँ पर इस जोन में भी आपके इन्वर्टर डिस्प्ले के लिए आ जाएंगे। आपने वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट होते हुए नॉर्थ तक इस भाग में नीचे लगभग 3 फुट तक आपने लाइट वेट की स्टोरेज करनी है और उसके ऊपर आपके अपने कंप्लीट लाइट वेट डिस्प्ले आ जाएगी। आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, प्रेस, ओवन, माइक्रोवेव, वो सारे के सारे आपके वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट होते हुए नॉर्थ तक यहाँ पर आपके डिस्प्ले आ जाएंगे। अब बात करते हैं वॉशिंग मशीन की, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है और वॉशिंग मशीन आपने कहाँ रखनी है? वॉशिंग मशीन आपकी नॉर्थ प्लस नॉर्थ वेस्ट के भाग में आएंगी। आपने अपने शोरूम में LED की डिस्प्ले कहाँ करनी है? LED की डिस्प्ले आपने साउथ से साउथ ईस्ट होते हुए ईस्ट तक आपने LED की डिस्प्ले करनी है। इस जोन में आपकी LED की डिस्प्ले आ जाएगी। हर शोरूम के अंदर 3 से 4 LED सुबह से लेकर शाम तक चलती रहती हैं। LED के पीछे हीट बनती है और जो हीट आपके यहाँ साउथ ईस्ट के भाग में साउथ के भाग में बनेगी, उस हीट के कारण आपके यहाँ लगातार पैसा आने के साधन बने रहेंगे और आएंगे। आपने अपने यहाँ पर डिस्पेंसर रखने हैं तो डिस्पेंसर आपके ईस्ट जोन में
इस जोन में आपके डिस्पेंसर आ जाएंगे। पीने का पानी आपने कहाँ रखना है? पीने का पानी आपका ईस्ट के भाग में, इस जोन में आपका पीने का पानी आ जाएगा। अब बात करते हैं मंदिर, मंदिर आपने कहाँ लगाना है। मंदिर आपने ईस्ट कॉर्नर से लेके साउथ ईस्ट तक जहाँ भी आपको स्पेस मिलता है, यहाँ पर इस जोन में आप अपना मंदिर बनाएं। अब बात करते हैं काउंटर की। काउंटर आपने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के भाग में बनाना है और जो ऑनर की सीटिंग है वो सीटिंग आपकी यहाँ आएगी, ये अपना काउंटर बन जाते हैं और ऑनर यहाँ बैठेगा। आने वाला जो कस्टमर है वो सामने यहाँ आ जाएगा। और कैश ड्रॉर आपने कहाँ बनानी है, गल्ला कहाँ बनाना है? ऑनर के राइट हैंड में, इस वाले काउंटर में, यहाँ पर आपने कैश ड्रॉर बनानी है जो कि नॉर्थ ईस्ट की ओर ओपन होगी। अब बात करते हैं स्टाफ के और कस्टमर के बैठने के लिए सिटिंग कहाँ बनानी है। आपने एक राउंड टेबल यहाँ लगानी है जिसमें आपकी चार चेयर आ जाएंगे। यहाँ पर बैठकर अपना स्टाफ कस्टमर से डील भी करेगा। और दूसरी सिटिंग आपने कहाँ करनी है, दूसरी सिटिंग आपकी यहाँ इस जोन में आ जाएगी और यहाँ पर बैठने की चेयर्स आ जाएंगी। आप इस प्रकार से अपने शोरूम की सीटिंग और सेटिंग करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आप अपना नया शोरूम बनाने जा रहे हैं तो मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आपके यहाँ जो फर्श की ढलान होनी चाहिए वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर होनी ही चाहिए। आपने अपने शोरूम में जो टाइल्स लगानी है या पत्थर लगाना है, पत्थर यानी मार्बल लगाना है, मार्बल लगाना है तो वाइट मार्बल लगाना है, और आप अपने शोरूम में टाइल्स लगाते हैं तो टाइल्स आपने क्रीम कलर की टाइल्स ही लगानी है। आपके यहाँ जो सीलिंग है वो बिल्कुल प्योर वाइट होनी चाहिए और शोरूम के अंदर जितनी भी आपके यहाँ लाइट लगे वो लाइट बिल्कुल वाइट होनी चाहिए और शोरूम के अंदर रोशनी बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए, भरपूर रोशनी होनी चाहिए। आप अपने शोरूम का सेटअप इस प्रकार से करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है आपका शोरूम बहुत बढ़िया चलेगा, आप बहुत तरक्की करेंगे। एक शोरूम के बाद आप दूसरा शोरूम, दूसरा शोरूम के बाद आप तीसरा शोरूम खोलने के लिए सक्षम हो जाएंगे। जो बातें मैंने आपको कही है, अब मेरी बातों को अच्छे तरीके से सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें बिल्कुल सही है तो आप अपने शोरूम को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो इस प्रकार से आप अपने शोरूम को रेनोवेट करें, नया बनाने जा रहे हैं तो इस प्रकार से आप अपने शोरूम को बनाएं, और आपका शोरूम पहले से ही चल रहा है और उसमें वर्किंग नहीं है तो आप अपने शोरूम का सेटअप इस प्रकार से करने की कोशिश जरूर करें। जो आप इजी वे में अपने शोरूम में बदलाव कर सकते हैं वो छोटे छोटे बदलाव जरूर करके देखें, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, आपके पैसे में बरकत जरूर आएगी और आपका कर्ज उतरता चला जाएगा। जो बातें मैंने आपको बताई है, आप मेरी वीडियो को अच्छे तरीके से सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें बिल्कुल सही है तो आप अपने यहाँ जरूर बदलाव करें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर करें, और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप मेरे से सलाह लेना चाहते हैं तो आप मेरे ऑफिस में अपने बिल्डिंग का, यानी जिसके बारे में आप वास्तु कंसल्टेंसी वास्तु सलाह लेना चाहते हैं उसका नक्शा लेकर आएँ। इसके लिए आपसे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन आने से पहले आप फोन पर अपनी अपॉइंटमेंट जरूर लें। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।